एजुकेशन च एक क्रांति लियांदी मनीष सिसोदिया नूं चक के अंदर कर दिता। सिर्फ पार्लियामेंट दे विच संजय सिंह इन्हां दीआं अधेड़ दिंदा सीगा ना, जो इन्होंने किया धड़क लीडर और बोलता सी जिहड़ा कंबणी छेड़ दिंदा सी, मोदी नूं पसीना आ जांदा सीगा। ये मोदी भुल गया है कि जिहड़ा ये साडे लीडर ने ये दिलां च वसे ने। अज जे कदे जिंदगी च ना आऊगा कदे भी हिंदुस्तान च एजुकेशन च क्रांति आएगी ते हर दिल दे विचों आवाज आऊगी। सारे जिहड़े ने पंजाब नूं लुट के खा लिया ते जे उन्हां ते एक्शन हो रहा है ते ये गलत नहीं हो रहा। जे संजय सिंह करप्ट है ते दुनिया ते कोई भी बंदा ईमानदार नहीं। असी भी करप्ट हां, सारे ही करप्ट ने। तो लगातार आम आदमी पार्टी वालों संजय सिंह की जी गिरफ्तारी हुई है उसनों लैके पूरे पंजाब नहीं पूरे देश में अज विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कपूरथला के मौजूद हाँ तो इतने भी जिले की समुची लीडरशिप आम आदमी पार्टी की पहुंची है तो जोरदार विरोध प्रदर्शन सेंटर सरकार के खिलाफ किया जा रहा है। चीमा साहब तुहाडे राज सभा मैंबर के उपर जिस तरह शिकंजा कसिया केंद्र सरकार ने कि राजनीति तो प्रेरित है सब कुछ? बिल्कुल राजनीति तो प्रेरित है। अज जिहड़ा ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं असी पुतला फूक रहे हैं मोदी का, ये इस करके फूक रहे हैं कि वो धक्केशाही कर रहा आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी तो डरिया है। डरिया क्यों है? जिस चीज़ करके आम आदमी पार्टी का ना हिंदुस्तान ते दुनिया दे विच हुंदा है उस लीडर नूं फड़ के बंद कर देंदे। जे एजुकेशन च एक क्रांति लियांदी मनीष सिसोदिया नूं चक के अंदर कर दिता। जे हैल्थ सिस्टम दे विच दुनिया तारीफ कर रही है हिंदुस्तान तारीफ कर रहा सतिंदर जैन जी उन्हां नूं चक के अंदर कर दिता। फिर पार्लियामेंट दे विच संजय सिंह इन्हां दीआं अधेड़ दिंदा सीगा ना, जो इन्होंने किया धड़क लीडर और बोलता सी जिहड़ा कंबणी छेड़ दिंदा सी, मोदी नूं पसीना आ जांदा सीगा, उहदे तों डरिया अज मोदी नूं वी संजय सिंह नूं वी अंदर कर दिता। ये मोदी भुल गया है कि जिहड़ा ये साडे लीडर ने ये दिलां च वसे ने। अज जे कदे जिंदगी च ना आऊगा कदे भी हिंदुस्तान च एजुकेशन च क्रांति आएगी ते हर दिल दे विचों आवाज आऊगी कि मनीष सिसोदिया ने लियांदी सी। पर जिहड़े विरोधी पार्टियां उह तां इह वी कहिंदियां कि जो पंजाब सरकार कांग्रसियां नाल कर रही है वह सेंटर सरकार दिल्ली च आपा वालियां नाल करदी पई। इह किन्ना ना गलत कर रहे हैं। सारे जिहड़े ने पंजाब नूं लुट के खा लिया ते जे उन्हां ते एक्शन हो रहा है ते ये गलत नहीं हो रहा। पर यह है कि ये दसन जिहड़ी आ जिहड़े विच परचा एक्साइज जिहड़ी पॉलिसी सी उहदे विच कहिंदे घपला कीता है। इन्होंने ये नहीं किया, ये नहीं किया कि घपला कीता है। घपला हो सकता सी, वह पॉलिसी लागू ही नहीं हुई जिहदे विच घसीटी फिरदे सारे लीडरां नूं। राज्यसभा मेंबर तो इन्नियां कोई पावरां नहीं होंदियां कि वह घपलाबाजी कर सके, तो फिर किदां इल्जाम लाई जा रहे? देखो मैं निजी तौर पर जानदा संजय सिंह जी हुणां नूं, बेहद ईमानदार आदमी है, मैं बहुत चंगी तरह जानदा। जे संजय सिंह करप्ट है तो दुनिया ते कोई भी बंदा ईमानदार नहीं। असी भी करप्ट हाँ, सारे ही करप्ट ने। जे संजय सिंह करप्ट है, जे मनीष सिसोदिया करप्ट है तो हिंदुस्तान च एक भी बंदा ईमानदार नहीं है। मैं ये दावे ना कह सकता। देखो ये तो आवाज़ बंद करनी चाहते है, उन्हें संजय सिंह की आवाज़ बंद करनी चाहते है, पर इन्ना नहीं पता कि इत्थे ते हर आम आदमी पार्टी का जिहड़ा वलंटियर है वह संजय सिंह बन रहा है, मनीष सिसोदिया बन रहा है, सतिंदर जैन बन रहा, उन्होंने फॉलो कर रहा है। सो ये किन्नियां नूं कढ़णगे? बंद कर दिओ जेल दे विच, पर उन्हां दी आवाज़ जिहड़ी है गूंजती रहेगी लोगों के दिलों च मनों च गूंजती रहेगी।
तो ये चीमा सन, चीमा साहब सन आम आदमी पार्टी के हलका इंचार्ज, जिन्हों का कहना है कि जिनी मर्जी अब धक्केशाही सेंटर सरकार करती रहे आम आदमी पार्टी के सिखरले आगुओं के नाल, पर जी आवाज़ है वह बंद नहीं कर सकते, किसी भी आम आदमी पार्टी की आवाज़ को बंद नहीं किया जा सकता। और आउंदियां चोणां दे विच जिहड़े लोग आ वह इस धक्केशाही का जिहड़ा जवाब है वह भारतीय जनता पार्टी नूं देणगे। पार्टी वालों लगातार जिहड़ा प्रदर्शन किया जा रहा सेंटर सरकार के खिलाफ, तो परमिंदर सिंह ढोर साहब आप नेता साढ़े नाल ने, ढोर साहब की हुण पूरे अज देश विच रोस प्रदर्शन होया आम आदमी पार्टी वालों, किस तरह जिहड़ा पूरा घटनाक्रम हो रहा पंजाब च, गिरफ्तारियां कांग्रेस दियां हो रही, दिल्ली च आप दियां हो रही, किस तरह देख रहे? देखो जी, जदों दी मोदी सरकार आई है एक तानाशाह रवैया अपना रही है, लोकतंत्र का दिन ब दिन घाण हो रहा। पिछले 18 सालों के तकरीबन 3000 तो वध जिहड़े ईडी दे रेड होए, उन्होंने जिहड़े लोग महाराष्ट्र तो लैके यूपी तक और उधर जिहड़े ईस्ट तो लैके वैसे तक सारे बन्ने इन्होंने रेड किए ने। जिहड़े बंदे रेड जिहड़े इन्हां दी ईन मान लैन दे ने, वो इन्होंने एक वाशिंग मशीन इंदा दी रखी हुई है जिस धो के कहिंदे सारा बंदे पदरे हो गए, इन्हां दे कोई दाग नहीं। ये जिहड़ी आम आदमी पार्टी है एक जनूनी लोगों की पार्टी है, एक नवी सोच लैके आई है। ये लोग जिहड़े इन्हां ते जिहड़ा खासकर जिस संबंध में संजय सिंह जी जी नूं गिरफ्तार किया गया, वो कोई मसला ही नहीं, वो कह रहे कि जिहड़ा शराब दा शराब घोटाला, वो घोटाला होया नहीं, कोई लैण देण होया नहीं। ये दिन ब दिन जिहड़ी आम आदमी पार्टी की चढ़त नूं देख के राज्यसभा मैंबर तो इन्नियां पावरां होंदियां कि कोई घोटाला कर सके नहीं, आम लोग घर नूं लोकी जिहड़े जिहड़े नीरव मोदी वर्गे करके राज्यसभा मैंबर से, ये लोग जिहदा इस देश यह मैं सोचदा ये जिहड़ा देश है अज भी सोने की चिड़िया, लोकी लखां करोड़ां रुपये इत्थे लुट के चले गया, बाहर चले गए फिर भी लोग इत्थे रोटी खांदे आ, ये किसी राज्यसभा मैंबर की कोई गल नहीं है, ये जिहड़ी माड़ी सोच की गल आ। जिहड़े तुसीं देखो पिछले 18 सालों के नवां हुण 10वां साल तकरीबन जा रहा, इन्होंने किन्ने लखां करोड़ रुपये लोगों को माफ़ करती, इतों लोग लुट के चले गए। ये जिहड़े आम आदमी पार्टी के जे जुझारू बंदे ने वो किसी तरह ईन मनण वाले ने, जिंदा सिसोदिया जी नूं पहला रखा गया, वो सिर्फ डराउने इन्हां दी चढ़त नूं देख के ये सारा कुछ मोदी साहब कर रहे। होर साहब ये कहा जा रहा है कि जिदा जे कहिंदे कि ईडी की वरतों केंद्र कर रहा तो विजिलेंस की वरतों पंजाब कर रहा, देखो जो विजिलेंस की वरतों इतने दसो कि बंदा नजायज फड़िया, जे आप कही मनप्रीत उदे उत्ते दसो किन्ने चार्जे ने, उन्होंने तो बिना सिर पैर तो केस नहीं, इन्हों के पिछले 2015 का केस रजिस्टर जिसे कोई कार्रवाई नहीं हुई, उस पड़े रहे। जिहड़े तुसीं आशुतोष नूं कहोगे, तुसीं जिहड़ा बंदा 50 लाख रुपया देण तुर गया अपने MLA जिहड़ा हुशियारपुर तो सी पुराने मंत्री से, वह देण तुर गया, उन्होंने केस पै, तुसीं दसो उन्हों का जिन्होंने इस पंजाब नूं लुट के ना करजाई बनाया उन्होंने केस बन रहे, उस कोई रौला ही नहीं। आम आदमी पार्टी के सीनियर आगू गुरशरद सिंह कपूर साहब साढ़े नाल ने, कपूर साहब पूरे देश में जिहड़ा अज प्रदर्शन हो रहा, क्योंकि तुसी बाकी सूबियां दे विच भी घूमते हो, पंजाब भी घूमते हो, तो किदां इस प्रदर्शन नूं देखदे हो कि सेंटर दियां आदे उपर के कोई असर होगा इस प्रदर्शन? देखो हिटलर भी जदों होया उहदा भी अंत की होया, उहदा अंत भी जनता ने कीता, इह भी इहदा भी अंत जिहड़ी जनता ही करूगी, इहदा अंत भी जनता ही करूगी, जनता इहदा जवाब दूगी और इहनूं तगड़ा जवाब मिलूगा। जिस तरह की जे आपां कह रहे हैं कि दूसरियां पार्टियां वाले कहिंदे आ कि जे केंद्र विच आम आदमी पार्टी दे आगूआं ते कार्रवाई होई आ दिल्ली दे विच, तां पंजाब वाले आप वाले किहड़े घट है भी कसी जा रहे शिकंजा कांग्रेसियां ते? तुसीं बिलकुल देख रहे हो, देखो आपां इक लिस्ट जे कढ लईए पूरी, पिछले समय दरम्यान देश चों लगभग 29 लोग भज्जे आ, 29 लोग जिहड़े देश दा बहुत ज्यादा पैसा लैके भजे, कई हजार करोड़ रुपया लैके भजे आ, वह सारे दे सारे किते ना किते भाजपा नाल रिलेटड हैगे, उन्हां ते कोई कार्रवाई होई? तुसीं कोई केस देखिया? 30,000 करोड़ रुपए की हीरोइन फड़ी जांदी आ गुजरात च अडानी साहब की बंदरगाह ते, किहड़ा परचा दर्ज होया? कोई परचा दर्ज होया सुनिया भी? ये हिटलरशाही है, पंजाब सरकार तो जो भी कर रही है कोई दोषी हैगा तो वह फड़िया जा रहा, असी तो अपने नूं नहीं बख्शते, इवन आपकी जो गुरशरण कपूर कुछ करूगा तो गुरशरण कपूर भी अंदर जाऊगा। पर SYL का जो आप मुद्दा देखते हैं, हरियाणा का यूनिट कुछ कह रहा, हरियाणा का यूनिट कहता कि असी हरियाणा पानी लेके देवे, पंजाब भगवंत मान साहब कहते कि असी पंजाब पानी देवे, इतने ही आम आदमी पार्टी एक मत नहीं हैगी? नहीं, आम आदमी पार्टी बिलो ये बिल्कुल एक मत हैगी, देखो जन सानू कोई स्टेट बिजली सप्लाई करती है
ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਲਏਗਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਤੂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਹੋਇਆ ਫਾਲਤੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾਂਗੇ ਪਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬੰਦਾ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣੇ ਪਏ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਯੂਨਿਟ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਕਮਰਕਵਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਅਜੇ ਇਧਰ ਆਓ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਆਓ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੀੜੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੇਡਾਂ ਪਵਾ ਲਵੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਬਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੇਦਾਗ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘੇਰਦੇ ਨੇ ਫੜਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਹਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਜਰਨੈਲ ਨੰਗਲ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਕਾਰਨਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਡਾਨੀ ਔਰ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਯਾਰੀ ਆ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਜਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲੋਕ ਵੀ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਜੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਾਲਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆ ਉਹ 2015 ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਆ ਉਹ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੱਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦੂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਖਹਿਰੇ ਖਹਿਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੇਖੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਸ ਵਕਤ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਆ ਸਿੱਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਜੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਵਾ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ
ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਣ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕ ਲਵਾਏ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਰ ਉਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ तो साडे नाल नगर सुधार ट्रस्ट के चेयरमैन गुरपाल सिंह इंडियन ते मार्केट कमेटी के चेयरमैन जगजीत सिंह बिट्टू साहब ने इन्हां नाल गलबात करदे आ अज दा जिहड़ा रोस प्रदर्शन है। हाँ जी चेयरमैन साहब की कहना जी? मैं समझदा कि पूरे भारत देश दे विच आम आदमी पार्टी की चढ़त नूं देखदे होए जिवें दिल्ली तो बाद पंजाब दे विच सरकार बनी और आने वाले समय दे विच वख-वख स्टेटां जिवें कि मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ जिथे जिथे मेरी ड्यूटियां लगियां मैं देख के आया कि आम आदमी पार्टी की चढ़त नूं देखदिया होया मोदी सरकार जिहड़ी पूरे भारत देश दे विचों बुखला गई हुई है उन्होंने एको ही डिसीजन एको ही ईडी नूं अपना हाथ चोका जिहड़ी ईडी हैगी आ उहनूं मूहरे रख के साडी आम आदमी पार्टी के सब तो ईमानदार जो नेता हैगे ने उन्होंने वह चक के जेलों के सुट रही है। मैं समझदा कि सब तो घिनौनी हरकत मोदी उहदी पूरी पलटन जिनी भी हैगी आ उन्हां वल्लों जिहड़ी सब तो माड़ी जिहड़ी हरकत हैगी आ कि सब तो चंगे और ईमानदार भारत देश के जिहड़े लीडर साहिबान ने उन्होंने चक चक के जेलों के सुटना। मैं एक होर मैसेज देना चाहना कि आम आदमी पार्टी एक स्प्रिंग की तरह हैगी आ तुसीं मोदी साहब जिन्ना भी इहनूं थल्ले दबोंगे ये 10 गुणा उपर उछल के बाहर आऊगा। एक गल मेरी नोट कर लो 2024 दे विच आने वाले समय दे विच जिहड़ी मोदी जिहड़ी हैगी आ थल्ले जीरो दे हाशिए ते डिगेगी ते आम आदमी पार्टी दे गठबंधन दीआं सरकारां जिहड़ियां हैगीआं सब तों उपर जाणगीआं। तो मेरे नाल जिन्ने भी आम आदमी पार्टी दे इत्थे दर्जा बदर्जा वलंटियर साहिबान साडे जिला प्रधान लेली सकलानी जी हो गए मैडम बलविंदर जी हो गए मार्केट कमेटी के चेयरमैन साडे बलविंदर जगजीत सिंह बिट्टू जी हो गए जसप्रीत गुराया जी हो गए गुरशरण कपूर जी हो गए असीं सारे हुण इत्थों पुरानी कचहरी तों चल जिन्ने भी तुहाडे वर्कर आए आ सारे नाल आ तुहाडे। हां जी चेयरमैन साहब तुसीं की कहना? लोकतंत्र की हत्या करते हुए मोदी सरकार जिहड़ी डिक्टेटरशिप शुरू की हैगी आ जिहड़ी उन्हें पूरे देश से अंग्रेजा वांगू कब्जा करन दी जिहड़ी कोशिश करदी आ आम आदमी पार्टी जिहड़ी अगे आ रही है आने वाले समय के 2024 का डर पै गया मोदी सरकार नूं इन्हां दी एनडीए के खिलाफ इंडिया आईएनडीए जिहड़ी एक संगठन तैयार किया हैगा मोदी नूं उस तों डर लगन लग पिया हैगा तो इहो जिहियां घिनौनकियां जिहड़ियां हरकतां शुरू कीतियां हैगियां वा आम आदमी पार्टी के सुचे सच्चे जिहड़े लीडर हैगे आ उन्हां ते किसे ना किसे तरीके दे नाल झूठे केस पा के ईडी तों सीबीआई तों उन्हां नूं दबा च लिआउणा चाहुंदी हैगी आ पर इह पार्टी दे जिहड़े वलंटियर हैगे आ इह जिहड़े लोक हैगे आ मोदी दीआं इन्हां हरकतां नूं कामयाब नहीं होण देणगे ते इह अपने मिशन दे विच आम आदमी पार्टी जिहड़ी आ अगे वध जाऊगी और इह झूठे साबित होणगे साडे लीडर जिहड़े आ सच्चे साबित होण के बाहर निकलणगे।